बेहतरीन हेल्दी लाइफ के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं रवीना आपका स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है स्किन टाइटनिंग। फ्रेंड्स, आफ्टर द एज ऑफ 30 हमारी जो स्किन है उसमें ढीलापन आ जाता है, हमारी स्किन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ इसके ऊपर रिंकल्स भी हमें दिखाई देते हैं और अगर ध्यान ना दिया जाए तो हमारी स्किन पर एजिंग नज़र आती है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है, जिसे देखकर हम डर जाते हैं, बोटॉक्स का सहारा ले लेते हैं, महंगे महंगे कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाते हैं और काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, जो हमारे स्किन को टाइट तो कर देते हैं लेकिन उसके हार्मफुल केमिकल्स हमारी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, जिसका पता हमें बहुत बाद पता चलता है। लेकिन आज जो नेचुरल फेस पैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसका यदि आप इस्तेमाल करें तो आप अपनी स्किन को टाइट बना सकते हैं, एजिंग के इफेक्ट को इनविजिबल कर सकते हैं और साथ ही साथ पा सकते हैं फेयर और यंगर लुक। और इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कॉस्मेटिक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे किचन में ही मौजूद ऐसी चीज़ें हैं जिनका सही इस्तेमाल करके हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेचुरल फेस पैक के प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहला नेचुरल इफेक्टिव फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ बनाना, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून लाइम जूस और 1 टीस्पून कर्ड। अब आपको क्या करना होगा कि हाफ बनाना जो हमने लिया है उसे अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। अब इसमें आप शामिल करोगे 1 टीस्पून लाइम जूस, 1 टीस्पून हनी और 1 टीस्पून दही। इन तमाम चीज़ों को ऐड कर लीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। ये हमारा इफेक्टिव सा नेचुरल फेस पैक हो गया है, रेडी टू यूज़। अब आपको ये करना होगा कि इस फेस पैक को अच्छी तरीके से अपने फेस पर और अपने नेक के एरिया पर अप्लाई कीजिए, मोटा मोटा सा अप्लाई कीजिए और रिलैक्स होकर काम होकर बैठ जाइए। जब ये सूख जाए तो सबसे पहले आप इसे झाड़ लीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए। वीक में 2 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए। विद इन 1 मंथ आप खुद ही ये नोटिस करने लगेंगे कि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो गई है, फर्म हो गई है, आपकी स्किन जो है वो दमक रही है और एजिंग की जो इफेक्ट है वो भी काफ़ी इनविजिबल हो गए हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले नेचुरल इफेक्टिव फेस पैक की तरफ। हमारा अगला नेचुरल फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ स्वीट कॉर्न, 1 चम्मच बेसन का आटा, 1 से 2 चम्मच ठंडा दूध और साथ ही साथ 1 चम्मच नींबू का रस। अब आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले स्वीट कॉर्न जो है उसके दानों को अलग करना होगा। उसे अच्छी तरीके से या तो आप मिक्सर में पीस लीजिए या तो आप इसे कूट लीजिए। अब इसमें आपको 1 चम्मच बेसन का आटा, 1 से 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच नींबू का रस अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। ये हो गया है आपका फेस पैक रेडी टू यूज़। अब आपको इसे क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर अप्लाई करना होगा। 25 से 30 मिनट तक इसे सुखा लीजिए और इसे नॉर्मल पानी से धो दीजिए। वीक में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। 1 महीने के अंदर ही आप खुद ये नोटिस करोगे कि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो गई है और आपकी स्किन जो है वो रेडिएंट नजर आ रही है और काफी हेल्दी नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले फेस पैक की तरफ और हमारा आखिरी होम फेस पैक है पपाया फेस पैक। पपाया दरअसल एक एंजल फ्रूट है जिसमें भारी मात्रा में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और BHA होता है, जो हमारे स्किन को कुदरती तरीके से टाइट करता है, फर्म करता है, हमारे स्किन को रेडिएंट बनाता है और स्किन से एजिंग के इफेक्ट को भी दूर करता है। बस आपको इतना करना होगा कि 1 स्लाइस पपाया के ले लीजिए, पपाया को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लीजिए या तो इसे मैश कर लीजिए। अब इसमें 1 से 2 चम्मच ठंडा दूध डाल दीजिए और इस फेस पैक को आपको अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर अप्लाई करना है। 25 से 30 मिनट तक इसे सूख जाने दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसे धो दीजिए। वीक में 2 से 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए और 1 महीने में ही आप खुद ये महसूस करोगे कि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो गई है, फर्म हो गई है, रेडिएंट नजर आ रही है, काफी ग्लो कर रही है और आपकी स्किन से जो एजिंग इफेक्ट है वो भी इनविजिबल होते जा रहे हैं। तो ये थे मेरे आसान से पर इफेक्टिव से होम फेस पैक्स, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्किन को टाइट कर सकते हो, फर्म कर सकते हो, रेडिएंट लुक हासिल कर सकते हो और एजिंग के इफेक्ट भी इनविजिबल कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे, Twitter पे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहकर ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य का लाभ उठा सके। रखिए अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल। मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी ऐसे ही कुछ इफेक्टिव से टिप्स और रेमेडीज लेकर। तब तक के लिए देती हूँ आपसे इजाजत। खुदा हाफिज़।